नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए साइंस एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक कक्षा 6 और कक्षा 7 की एनसीईआरटी को अच्छे से खत्म कर लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कक्षा 8 की एनसीईआरटी। उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है? उसमें पहला टॉपिक हमारा है क्रॉप क्या है, क्रॉप क्या है। तो दोस्तों क्रॉप के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब फसल नहीं होती थी तब लोग क्या करते थे। दोस्तों आज के लगभग कितने साल, 10,000, 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य क्या करते थे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे? भोजन और किसके, भोजन और आवास की खोज में टहलते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उस टाइम वो क्या करते थे, वहां पे कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, और क्या करते थे, भोजन के लिए जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में लोग क्या करते हैं, लोग खेती करते हैं, जिससे उनको क्या, गेहूं, चावल और अन्य खाद्य फसलें जो है वो उत्पादित कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोग फिर क्या है, अब खेती करने लगे हैं। क्रॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रॉप का मतलब होता है जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे क्या है, किसी बड़े पैमाने पर एक किसी एक स्थान पर उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं दोस्तों? फसल उसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर क्या है, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं दोस्तों। अब ये फसल, चूंकि भारत क्या है, भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, ये सब हर क्षेत्र में अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या है, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि इस बेसिस पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बेसिस पे, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद हमारे देश की जलवायु में हम फसलों को किसमें, दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप लोग जानते होंगे, एक खरीफ की फसल है और एक रबी की फसल है। दोस्तों खरीफ और रबी की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं दोस्तों? वो फसल जो कब बोई जाती है, जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जो रेनी सीजन होता है, ये हमारे यहाँ कब से कब तक होता है? हमारे यहाँ ये जून से होता है सितंबर तक। तो जो फसलें जून से सितंबर के दौरान बोई जाती हैं, क्रॉप जो बोई जाती है रेनी सीजन में, उसे क्या कहते हैं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया और कॉटन, इसके एग्जाम्पल हैं। रबी की फसल क्या है? रबी की फसल जिसे हम जाड़ों में बोते हैं, उसे रबी की फसल कहते हैं। ये कब होता है? जनरली ये होता है अक्टूबर टू मार्च। तो रबी की फसल किसे कहते हैं? जिसे हम जाड़ों में बोते हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है और अलसी है, ये सब रबी की फसल में आते हैं। दोस्तों खरीफ में वही फसलें बोई जाती हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने खरीफ की और रबी की फसल पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो खाद होते हैं और उर्वरक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे सब्सटेंस हैं जिनको हम जब सॉयल में ऐड करते हैं पोषक के रूप में, तो वो जो है प्लांट की क्या है, हेल्दी ग्रोथ करवाता है, उसे ही कहते हैं खाद और उर्वरक। मैन्योर का मतलब खाद,
फर्टिलाइजर का मतलब दोस्तों उर्वरक होता है। तो मैन्योर खाद क्या है दोस्तों? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और ये ऑप्टेन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल बेस से हमको प्राप्त होता है। दोस्तों इसके लिए किसान क्या करता है? किसान जो प्लांट है पादप है और जंतु के अपशिष्ट को क्या करता है? जंतु के अपशिष्ट को क्या करता है? एक बड़े गड्ढे में डाल देता है और इसका अपघटन क्या करता है? खुले में होने के लिए छोड़ देता है। कुछ समय के बाद इससे प्लांट और जंतु के अपशिष्ट से हमें क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? हमें खाद प्राप्त हो जाता है। अब फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों? फर्टिलाइजर या उर्वरक एक केमिकल होता है जो रिच होता है किससे? पर्टिकुलर एलिमेंट से। दोस्तों हमने फर्टिलाइजर का डेफिनेशन क्लासिक्स में भी बताया था कि ये केमिकल होते हैं जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है। इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट क्या होता है? हमने कहा था एनपीके से, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इसमें क्या होता है उर्वरक में? यूरिया भी आता है दोस्तों, अमोनियम अमोनियम सल्फेट भी आता है, सल्फेट भी आता है और सुपर सुपर फास्फेट, पोटास भी आता है, पोटास भी आता है। ये सब दोस्तों एक उर्वरक है जिन्हें हम यूज करते हैं। उर्वरक का उपयोग दोस्तों किसान क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। जब इनका उपयोग किसान करता है तो क्या होता है? इससे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसमें दो डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप क्या है और रबी की क्रॉप क्या है। खरीफ क्रॉप वो होती है जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं और रबी की क्रॉप वो होती है जिसे हम जाड़ों के मौसम में बोते हैं, उसे रबी की क्रॉप कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? आपने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, तो ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है दोस्तों? क्रॉप रोटेशन में क्या है? हम अलग अलग तरह की फसल अल्टरनेट करके बोते हैं, उसे ही कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों जिससे मिट्टी की जो हमारी उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है, फार्मर जो होता है वो क्या ग्रो करता है? किसको? लेग्यूम प्लांट को एक सीजन में, क्योंकि क्या है, लेग्यूम प्लांट को ये जो है नाइट्रोजन की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसलिए फार्मर क्या करता है, लेग्यूम प्लांट को एक सीजन में बोता है और अदर सीजन में वहां क्या बोता है, अदर सीजन में वहां गेहूं बोता है, जिससे जो होता है मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन का, इससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है जो फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों हमने फर्टिलाइजर और मैन्यूअर की डेफिनेशन देखी थी। हमने बताया था फर्टिलाइजर उर्वरक को कहते हैं, मैन्यूअर खाद को कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों? फर्टिलाइजर क्या है? एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसे हम उर्वरक कहते हैं। लेकिन मैन्यूअर क्या है? मैन्यूअर हमने बताया था, मैन्यूअर जो खाद होता है एक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ है। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है क्योंकि हमने बताया था कि इसको कैसे ऑप्टेन करते हैं। इसको प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू से ऑप्टेन करते हैं। जब किसान प्लांट और एनिमल वेस्ट को गड्ढे में छोड़ देता है बहुत लंबे समय तक, तो इसका अपघटन हो जाता है जिससे हमें खाद प्राप्त होती है। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों? ये फर्टिलाइजर जो उर्वरक होते हैं ये फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होते हैं, जबकि खाद क्या है, खुली जगह में किसान इसको छोड़ता है अपघटन के लिए, इसलिए ये फील्ड में प्रिपेयर्ड होते हैं, बनते हैं। फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों? फर्टिलाइजर क्या है? जो उर्वरक होता है ये
प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी ह्यूमस सॉइल को, जबकि जो मैन्योर होता है, मैन्योर खाद जो है, बहुत सारा लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, क्योंकि जब अपशिष्ट प्लांट और एनिमल पदार्थों का अपघटन होता है तो इससे लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को मिलती है। अगला अंतर क्या है दोस्तों, फर्टिलाइजर जो होते हैं वेरी रिच होते हैं, कौन से, हमने बताया था एनपीके, न्यूट्रिएंट से बहुत रिच होते हैं उर्वरक, जबकि मैन्योर क्या है, इसमें उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्योर के, ये जो खाद है इसके लाभ क्या है, खाद के जो लाभ है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, मतलब जो मिट्टी है हमारी उसमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है, ये हमारी सॉइल को क्या, भुरभुरी बनाता है, जिससे गैसीय विनिमय बहुत आसानी से हो सके, आसानी से हो सके। तीसरा काम क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मित्र जीवाणुओं की संख्या को, वो इंक्रीज करता है क्या, खाद इंक्रीज करता है मित्र जीवाणुओं की संख्या। और चौथा काम क्या करता है, ये मिट्टी के गठन को सुधारता है। दोस्तों अब किसान की फसल के बारे में हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, किसान अपने फसलों की सिंचाई कैसे करता है, तो इसमें दोस्तों दो मेथड जानना जरूरी है जो अलग है, बाकी तो हम सब जानते हैं ट्यूबवेल से और कुएं से, बहुत सारी जगहों से किसान जो है अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, लेकिन दो मेथड जो अलग है इसको आप जान लीजिए, एक स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे क्या कहते हैं, जिसे छिड़काव, हिंदी में से क्या कहते हैं, छिड़काव तंत्र कहते हैं, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव सिस्टम क्या है, छिड़काव सिस्टम दोस्तों हम कहाँ करते हैं इसको आप जान लीजिए, कहीं की जमीन अगर असमतल हो, मतलब वहां की जमीन समतल ना हो, असमतल हो और क्या हो, और वहां पे पर्याप्त मात्रा में वाटर उपलब्ध ना हो, मतलब जहाँ की जमीन असमतल हो वहाँ पर्याप्त मात्रा में वाटर उपलब्ध ना हो, वहाँ हम छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। अभी हम इसको डायग्राम में बताएंगे कि इस तंत्र का कैसे उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, ड्रिप सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर कैसे गिरता है दोस्तों, वाटर गिरता है फॉल होता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप कैसे गिरता है, वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है, कहाँ, रूट नियर द रूट ऑफ प्लांट, इसमें वाटर क्या करता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है रूट ऑफ प्लांट के पास। तो दोस्तों आप देख रहे हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम, ये क्या है, ये छिड़काव तंत्र है, इसमें क्या है, जो ये उर्ध पाइप लगी हुई, इस पे क्या है, घूमने वाला, आप देख रहे हैं एक नोजल लगा हुआ है, घूमने वाला क्या लगा होता है, नोजल लगा होता है, ये पाइप क्या है, निश्चित दूरी पर मेन पाइप से जुड़ी होती है, जब ये पंप है, जब इस पंप की सहायता से पाइप्स मुख्य पाइप में जल भेजा जाता है, तो ये जो नोजल था हमने बताया, इस घूमते हुए नोजल से जल बाहर निकलता है और पौधों की जड़ों तक जाता है, ये आप देख रहे होंगे घूमते हुए नोजल से जल बाहर निकला और इससे सिंचाई हो रही है। तो इसको यूज कहाँ करते हैं छिड़काव तंत्र का दोस्तों, ये उसको यूज करते हैं कहाँ, लॉन में कॉफी का कहीं प्लांटेशन लगा हो, जहाँ कॉफी का प्लांटेशन लगा हो, और बहुत सी क्रॉप में इसको यूज किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि वहां की जमीन जो है असमतल हो और वहां पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना हो, तब हम वहां पे छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं।
तो दोस्तों ड्रिप सिस्टम में भी वही सेम टेक्निक है, बस इसमें पानी क्या है, इसमें पानी कैसे निकलता है, इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप, इसमें पानी जो आता है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप करके आता है, एक एक बूंद आता है और पौधों की जड़ों के पास ही गिरता है। तो इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप आता है, पौधों की जड़ों में गिरता है। तो इसको यूज कहाँ किया जाता है, ये बहुत अच्छा होता है उस जगह, जैसे कोई फ्रूट प्लांट हो उसको वाटर देना हो, फ्रूट प्लांट हो उसको वाटर देना हो, गार्डन में गार्डन में गार्डन में, और पेड़ों की सिंचाई करना हो तो हम वहां ड्रिप तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, बीड, जिन्हें खर पतवार कहते हैं, खर पतवार कहते हैं। दोस्तों बहुत से अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो हमारी फसलों के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें हम खर पतवार कहते हैं, और इन खर पतवारों को हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। क्योंकि दोस्तों इनको हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये खर पतवार जो होते हैं जल जल पोषक और पोषक जगह है, जगह और प्रकाश के लिए हमारी फसलों से क्या है, प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और हमें अच्छी फसल की उपज प्राप्त नहीं होती है। तो आजकल दोस्तों क्या है, इन खरपतवार को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कुछ केमिकल यूज करके, जिसे हम क्या कहते हैं, उन केमिकल को कहते हैं खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी केमिकल का यूज करके इन खरपतवारों को हटाया जाता है, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल है 2,4-D। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा, हमने फसलों को बो लिया, उनकी निराई भी कर ली, अब क्या करेंगे, अब हम उसकी कटाई करेंगे, जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटाई करने के बाद क्या है, इनका भंडारण जरूरी होता है अनाजों का। दोस्तों जो ताजे कटे अनाज होते हैं, दोस्तों जो ताजे कटे अनाज होते हैं, इसमें नमी होती है, इसलिए क्या करते हैं, जो ताजा कटा अनाज है, ताजा कटा अनाज है, इसको हम बिना सुखाए, क्या इसको हम बिना सुखाए इसको भंडारण इसका नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ताजे कटे अनाज को पहले हम सुखवाएंगे, सुखाने के बाद इसमें से नमी नमी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब इसमें से नमी खत्म हो जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको जो है बड़े बोरियों में, जूट जूट के बैग में, जूट के बैग में, या धातु के बड़े पात्र में, बड़े पात्र में इसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो है उसमें कोई भी रैट या इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके। कुछ लोग आप देखते होंगे गांव में नीम की पत्तियां भी डाल देते हैं। दोस्तों अगर हम इनको सुखवाएंगे नहीं, इसमें नमी रहेगी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब होते हैं, इंसेक्ट और रैट वैट, ये सब हमारी फसल को नष्ट कर देंगे, जिससे हम ना तो उसे यूज कर सकेंगे, ना तो हम उसे यूज कर सकेंगे और ना हम उसे अगले सीजन में बो सकेंगे। इसलिए अनाजों का भंडारण आवश्यक है। अब दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे हमने बताया कि प्लांट से हमें, पौधों से फसल मिलती है, वैसे एनिमल से भी हमें अच्छा फूड मिलता है, इसलिए हम एनिमल को आजकल पालते हैं, इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल, अगर हम गाय भैंस पालते हैं तो इनसे हमें दूध दही घी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जो हमारे भोजन का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए आजकल हम एनिमल को पालते हैं, जिसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कॉड लीवर ऑयल जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो कॉड लीवर ऑयल फिश से मिलता है, और इसमें कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब
अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो जो फंगस हमारे ब्रेड पे ग्रो करता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि ये फंगस हमारे ब्रेड पे ग्रो कर रहा है। दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने, इनको चार ग्रुप में बांटा गया है मेजर, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं और कुछ एल्गी आती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के बारे में। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होता है ये डिफर करता है किससे, डिफर करता है फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों दोस्तों ये डिफर करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करता है, कहाँ ये रिप्रोड्यूस करता है, ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर है। होस्ट ऑर्गेनिज्म उसका क्या हो सकता है दोस्तों, उसका बैक्टीरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई भी एनिमल हो सकता है, ये उसके अंदर ही क्या रिप्रोड्यूस करता है केवल। इसलिए ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर है। ये आप देख रहे होंगे वायरस का स्ट्रक्चर, ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर है, ये इसकी सीथ है, और ये इसका टेल फाइबर है। दोस्तों वायरस के पास प्रोटीन कोट कैप्सिड होती है, जो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर्स की बनी होती है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो डिसेंट्री होती है और मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगर दोस्तों ये पूछा जाए टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोस्तों इतना ये जरूर याद रखिए कि ये दोनों प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये दोनों किससे होता है, ये दोनों बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया आपको दिख रहा होगा, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये क्या है, ये स्पाइरल शेप है। दोस्तों शेप के आधार पे ही बैक्टीरिया को ग्रुपों में बांटा गया है। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया है बैसिलस होता है, बैसिलस क्या है, बैसिलस एक रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को स्पाइरिलम कहते हैं, और कोकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल बिब्रियो किसको कहते हैं, बिब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया को कहते हैं। दोस्तों ये देख रहे होंगे कुछ एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा, ये एल्गी हैं, ये प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम दे रखा है, और ये फंजाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ब्रेड मोल्ड दे रखा है, पेंसिलिनियम दे रखा है, और ये एस्परजिलस दे रखा है। ये प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कुछ एल्गी दे रखी है, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो स्पाइरोगायरा है इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है दोस्तों, इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी हैं और प्रोटोजोआ। अभी हमने बताया प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर हैं, कुछ बैक्टीरिया और ये कुछ एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर में मेनी एल्गी आ जाएंगे, और ये जितनी भी फंजाई आप देख रहे हैं ये सब मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं,
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं, विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? इनका उपयोग हम दही के लिए करते हैं, ब्रेड के लिए करते हैं, केक चीज पनीर या अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट कार्यों के लिए बहुत से उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब हम दोस्तों थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल के लिए जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, वो कहाँ मल्टीप्लाई करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये मल्टीप्लाई करता है हमारे मिल्क में। और इसको किस में कन्वर्ट करता है? इसको कन्वर्ट करता है कर्ड में, दही में। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन में शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट करना ही फर्मेंटेशन या किण्वन किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने की थी। दोस्तों इसका हम एक इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए? ईस्ट का उपयोग किया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जो बहुत उच्च पैमाने पर अल्कोहल और वाइन होता है उसके उत्पादन के लिए हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। दोस्तों ईस्ट का और कहाँ उपयोग करते हैं? ईस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों बेकिंग इंडस्ट्री में। ये एग्जांपल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। क्यों? बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं हम लोग, जिसमें ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं और केक बनाते हैं, उसमें हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ईस्ट जो है ये रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करता है, और जब ये रिप्रोडक्शन तेजी से करता है तो उस दौरान ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है रेस्पिरेशन के दौरान, जिससे जो है ईस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है बेकिंग इंडस्ट्री में, हमारे ब्रेड में, पेस्ट्रीज में, केक में। और ईस्ट का उपयोग अल्कोहल और वाइन बनाने में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों एंटीबायोटिक क्या होती है? इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक दोस्तों ये हमें मिलते हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से। ये करते क्या हैं? ये या तो किल कर देते हैं या तो स्टॉप कर देते हैं किसको? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं उनको या तो ये मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। एग्जाम्पल क्या है प्रतिजैविक का? स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका हम प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? एक डिजीज का कल्चर कर रहे थे, डिजीज का। और वो डिजीज क्या थी? ये डिजीज का जिसका कल्चर कर रहे थे वो किससे थी? ये बैक्टीरिया के द्वारा थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डिजीज का कल्चर कर रहे थे, वो डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा हुई थी। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ स्पोर हैं वो ग्रीन मोल्ड कलर के लिटिल स्पोर हैं कुछ, जो बैक्टीरिया के आसपास प्रेजेंट हैं। तो ये जो लिटिल ग्रीन मोल्ड स्पोर थे जो बैक्टीरिया के आसपास थे, वहां पे क्या था? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी दोस्तों, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो रुक गई। और ये इस मोल्ड ने क्या किया? इसने क्या किया? और इसके साथ ही क्या है? बहुत से बैक्टीरिया को इसने मार दिया।
मार दिया। तो इससे इन्होंने क्या बनाया, एक एक प्रतिजैविक बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, पेंसिलिन। पेंसिलिन पेंसिलिन प्रिपेयर किया। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब एक बीमारी का कल्चर कर रहे थे जो बैक्टीरिया के द्वारा थी, तो उससे उन्होंने क्या बनाया, उससे उन्होंने क्या पेंसिलिन बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ स्पोर हैं ग्रीन लिटिल मोल्ड के, जिस जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, और इस लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर ने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया। तो दोस्तों जब एक डिजीज केजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए क्या तैयार करता है, उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी तैयार करता है। दोस्तों ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब खोजी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में खोजी। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करती है। दोस्तों इसको हमने पिछली भी क्लास में बताया था कि कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन बीजीए, ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया नाम से लग रहा है, लेकिन ये एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है, ये जो एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है, जिससे सॉयल क्या होता है, हमारी सॉयल नाइट्रोजन से एनरिच हो जाती है और हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। चूंकि दोस्तों हमने बताया भी था कि जो राइजोबियम है ये कहाँ रहता है, राइजोबियम है ये रहता है रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट में, जैसे पी हो गई, मटर हो गया, तो इसमें रहता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करता है, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और लेग्यूम प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको भोजन प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों को लाभ हो रहा है। तो ये सहजीविता का उदाहरण है, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सहजीविता का उदाहरण है। ये आप देख रहे होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दोस्तों पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक, या हम कह सकते हैं रोगाणु, जो डिजीज पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा रोग है जो माइक्रोबियल डिजीज है, जो किससे स्प्रेड होती है, इन्फेक्टेड जिस पर्सन को हुई है उससे हेल्दी पर्सन को, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों संचरणीय रोग का, इसका एग्जांपल कॉलरा है, कॉमन कोल्ड भी संचरणीय रोग है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, और क्या है दोस्तों, और ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये सब संचरणीय रोग है। दोस्तों कुछ 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 इंसेक्ट इंसेक्ट और एनिमल एनिमल भी क्या है, वो कैरियर ऑफ डिजीज का काम करते हैं। एग्जांपल के लिए जो हाउस फ्लाई होती है ये किस पे बैठती है, ये जब गार्बेज या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, एनिमल बेस्ट कह सकते हैं, उस पे बैठती है। तो पैथोजन क्या करते हैं, इसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। जब ये हाउस फ्लाई क्या है, किसी खुले भोजन पे बैठती है, तो ये जो पैथोजन उसकी बॉडी से चिपके थे वो उनको फूड में ट्रांसफर कर देती है। इस तरह ये कैरियर ऑफ डिजीज का काम करती है। और कुछ
फीमेल एनाफ्लीज जो होती हैं, जो फीमेल एनाफ्लीज होती हैं दोस्तों, एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये क्या करती हैं? ये कैरियर ऑफ डिजीज का काम करती हैं। किसके लिए? मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम के लिए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरियर ऑफ डिजीज का काम करती हैं। जो फीमेल एडीज है दोस्तों, फीमेल एडीज मॉस्किटो ये किसका कैरियर का काम करता है? डेंगू 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 वायरस के लिए ये इसके लिए कैरियर का काम करता है। तो दोस्तों ये कैरियर जरूर याद रखिएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरियर का काम करता है मलेरिया या प्लाज्मोडियम के लिए, और जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो कैरियर का काम करता है डेंगू वायरस के लिए। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था कि एक बीमारी जो एंथ्रेक्स है वो किससे हो रही है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया से हो रही है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एंथ्रेक्स डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेक्सिस से एंथ्रेक्स बीमारी होती है दोस्तों। ये कुछ ह्यूमन डिजीज है और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं? तो इसको आप याद रखिएगा कि टीबी, ये जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। और मिजल्स, मिजल्स इसका क्या है? इसका वायरस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों? एयर है। चिकन पॉक्स का क्या है? चिकन पॉक्स का जो ऑर्गेनिज्म है ये वायरस के द्वारा होता है, और ट्रांसमिट कैसे होता है? एयर के थ्रू और कॉन्टैक्ट के थ्रू। पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, और फैलता कैसे? एयर और वाटर के थ्रू फैलता है दोस्तों। अब इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? जिस पेशेंट को है ये सब बीमारी उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है, उसको आइसोलेट कर देना है, उसको अदर लोगों से उसको बिल्कुल अलग रखना है। अगर वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन सबको एक सुटेबल एज पे लग जाना चाहिए, तो ये सब इसका प्रिवेंशन है। दूसरा क्या है दोस्तों? कॉलरा किससे होता है? कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। फैलता किससे है? वाटर और फूड से। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। फैलता है वाटर से। तो इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? जो बीमारी फूड और वाटर से हो रही है, मतलब क्या है? अपना पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रखो, साफ सफाई रखो, और अच्छे से पका हुआ भोजन खाओ, उबला हुआ पानी पियो, और वैक्सीनेशन करा लो। तो ये सब इसके रोकथाम के उपाय हैं। हिपेटाइटिस से किससे होता है दोस्तों? ये वायरस से होता है। और इस फैलता कैसे? वाटर से फैलता है। इसलिए क्या करना है? उबला हुआ पानी पीना है और वैक्सीनेशन कराना है। मलेरिया किससे फैलता है दोस्तों? ये प्रोटोजोवा से होता है। और फैलता किससे है? फैलता है मॉस्किटो के द्वारा। अभी हमने बताया एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इसको फैलाती है। तो इसको रोकथाम क्या करना है? मच्छरदानी हमको लगानी है, और मॉस्किटो को जो रिपेल करते हैं उसको यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करवाना है, और क्या करना है? और करना है कि जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा हो वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ये मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे। तो ये रोकथाम है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब दोस्तों परिरक्षक। परिरक्षक दोस्तों जो साल्ट होता है और एडिबल ऑयल होता है, ये क्या है? ये केमिकल है जिनको हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए। और ये ऑल्सो क्या करता है? अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे जो फूड आइटम है उनको बचाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक। कुछ प्लांट डिजीज है दोस्तों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है? तो ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फैलता किससे है? एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट नामक जो बीमारी है ये किससे होती है? फंजाई से होती है। फैलती किससे है? एयर और सीड से। जो येलो बीन ऑफ मोजैक का विंडी ओकरा है ये किससे होता है? वायरस से होता है। फैलता किससे? इंसेक्ट के थ्रू।
दोस्तों अभी हमने बताया कि हम कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, सॉल्ट और एडिबल ऑयल, ये हम कॉमन केमिकल हैं जिनको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं और प्रिवेंट करते हैं अटैक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एग्जांपल की सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक हैं जिनको यूज किया जाता है। दोस्तों पाश्चुराइजेशन क्या होता है, मिल्क को हीट करना है कितना, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक, उसके बाद इसको सडनली कूल कर लेना है, इसके बाद इसको स्टोर कर लेना है, जिससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाती है। चूंकि इस प्रोसेस को किसने खोजा था, लुई पाश्चर ने, इसलिए इसे कहते हैं पाश्चुराइजेशन। दोस्तों इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जो पाश्चुराइज मिल्क होता है इसको हम बिना बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी हमने इसको पहले ही भी बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है जिन्हें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। उस टाइम हमने बताया था राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसलिए हम उन्हें नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये कहाँ रहते हैं, रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट में रहते हैं और सो करते हैं रिलेशनशिप ऑफ सिम्बायोसिस या सहजीविता का, क्योंकि इससे दोनों को फायदा होता है। दोस्तों अभी हमने बताया था इससे दोनों को फायदा होता है, राइजोबियम इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ये जो पौधे होते हैं इनको भोजन और रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन साइकिल क्या है, हमारे एटमॉस्फियर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% और नाइट्रोजन इसेंशियल है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये हमारे इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। दोस्तों जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, ये क्या करते हैं, वो एटमोसफियर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को कहाँ से, एटमॉस्फियर से। इसलिए क्या होता है सर्टेन बैक्टीरिया और कुछ इसलिए क्या होता है कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो सॉयल में प्रेजेंट होती हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, कन्वर्ट करती हैं किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में। फिर ये क्या होता है, ये प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है सॉयल से, क्योंकि ये रूट के थ्रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एनिमल क्या करता है, इस प्लांट को फीड करता है, तो उससे जो है प्रोटीन के रूप में ये नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड एनिमल को मिल जाते हैं। मान लो ये एनिमल और प्लांट डाई कर गए, तो जो बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, ये सब मर गए, तो जो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉयल में हैं वो क्या करते हैं, सॉयल में है वो कन्वर्ट करते हैं क्या, जो नाइट्रोजन वेस्ट है किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में, और फिर ये दोबारा प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन का चक्रण बार बार होता रहता है। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, मान लो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है सॉयल में, वो सॉयल में कैसे आई, अभी हमने बताया कि सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्लांट की जड़ें होती हैं, ये रूट के थ्रू जो है इस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस प्लांट को क्या करेगा, एनिमल इसको खाएगा, इस प्लांट को। इसके बाद क्या होगा, मान लो एनिमल और प्लांट
फिर इसके बाद खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद ये नाइट्रोजन वेस्ट जो है एक्सक्रीशन के थ्रू सॉयल में एक्सक्रीट कर देगा, या मान लो इन दोनों की डेथ हो गई तो जो बैक्टीरिया और फंजाई सॉयल में प्रेजेंट हैं तो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे और सॉयल में नाइट्रोजन को दोबारा रिलीज करवा देंगे। अब दोस्तों इसमें से कुछ नाइट्रोजन क्या है, कुछ नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं इसको क्या है, कुछ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो सॉयल में प्रेजेंट है और वो एटमॉस्फियर में चली जाती है। फिर क्या होगा दोस्तों, एटमॉस्फियर में चली जाएगी, एटमॉस्फियर से दोबारा ये क्या है सॉयल में आएगी। इसके बाद क्या होता है, जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है अब इसको क्या, कुछ अभी हमने बताया बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। दोस्तों इस तरीके से नाइट्रोजन कंपाउंड बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स हुआ, सॉयल में आया, प्लांट इसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट को एनिमल खाया, एनिमल के एक्सक्रीटा क्या हुए सॉयल में आए, उससे नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन सॉयल को दोबारा मिल गई, या प्लांट और एनिमल जब ये डाई कर गए तो बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन करके इस नाइट्रोजन को किसमें सॉयल में वापस लौटा दिया, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते रहे और ये नाइट्रोजन गैस जो है एटमोसफियर में चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों नाइट्रोजन का जो मात्रा है नाइट्रोजन की वायुमंडल में लगभग स्थिर रहती है, इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हमारी चलती रहती है। तो दोस्तों हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फसल, फसल में जो है हमने रबी की फसल पढ़ी, खरीफ की फसल पढ़ी, फर्टिलाइजर पढ़ा, मैन्यूअर पढ़ा दोस्तों। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने माइक्रोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। तो दोस्तों हमने आज दो चैप्टर कक्षा 8 की एनसीईआरटी का कवर किया है। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। धन्यवाद।